what? और बात अब कोलकाता की। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में सीबीआई ने संदीप घोष और थाने के एसएचओ अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 17 सितंबर तक सीबीआई की कस्टडी में भी भेज दिया है। सीबीआई के इस एक्शन के बाद हड़ताली डॉक्टर ने एक और पड़ाव पार करने के लिए एक दूसरे को बधाई दी, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कोलकाता में हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स पर हर विधा आजमा चुकी है, लेकिन उनका कोई भी हथकंडा काम करता नहीं दिख रहा है। बंगाल सरकार और जूनियर डॉक्टर्स के बीच बातचीत के सारे फॉर्मूले फेल हो चुके हैं और डॉक्टर्स ने सीएम ममता के हर फॉर्मूले को ठुकरा दिया है। हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स इंसाफ की इस लड़ाई में अपनी जिद पर अड़े हैं। खासकर आरजीकन अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और बंगाल पुलिस के एसएचओ अभिजीत मंडल की गिरफ्तारी के बाद अब उनका विश्वास और भी अटल हो गया है। जिसके लिए जब हमने ये आंदोलन शुरू किया कि वो गुनहगार है, वो खूनी है, वो करप्ट है, तो सबने हमें कहा था कि तुम आंदोलन क्यों कर रहे हो, तुम क्या उसे रोक पाओगे, वो तो बहुत ताकतवर है, वो तो तुम्हें यूं ही फंसा देगा, वो तो तुम्हें मिटा देगा। लेकिन हम अपने पैरों को जमाए रखा। आज 35वें दिन संदीप घोष वो जेल के अंदर गया। डॉक्टर्स ने इंसाफ मिलने तक संघर्ष जारी रखने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अभिया को न्याय मिलने तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने बंगाल सरकार के सामने अपनी मांग रख दी है, लेकिन ममता है कि मानने को तैयार ही नहीं है। वो लगातार अलग अलग हथकंडे अपनाकर जूनियर डॉक्टर्स को मनाने में लगी है। वो कभी जूनियर डॉक्टर को धमकी देती नजर आती है, तो कभी प्रदर्शनकारियों पर इमोशनल कार्ड आजमाते। मैं आपका दर्द समझती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ हूँ। मुझे अपने पद की चिंता नहीं है, क्योंकि सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगी। मैं दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग करती हूँ। सीएम ममता चाहे कुछ भी कहे, लेकिन ये तस्वीरें बताती है कि जूनियर डॉक्टर्स सही रास्ते पर हैं और उनका दबाव अब काम नहीं कर रहा है। अभिया के गुनहगारों की गिरफ्तारी की खबर आने के बाद एक दूसरे से गले लगने, एक दूसरे को बधाई देने और इंसाफ की लड़ाई में मिली आंशिक कामयाबी के बाद आवाज में आई ये ठसक इसकी गवाह है। जो डिमांड हमने शुरू से लिखा था, हमारा जो डिमांड जो जस्टिस से पूरा रिलेटेड है, वो डिमांड सच है। वो डिमांड पे मुहर लग गई कि संदीप घोष ने जो किया वो एक इंस्टीट्यूशनल क्राइम है। दरअसल बंगाल सरकार से बेनतीजा रही बातचीत के बीच खासकर डॉक्टर संदीप घोष की गिरफ्तारी को डॉक्टर इसलिए भी बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि पहले ही वित्तीय अनियमितताओं में फंसे संदीप घोष की गिरफ्तारी इस बार लेडी डॉक्टर से रेप मर्डर केस में हुई है। सीबीआई ने उन्हें सबूत मिटाने के आरोप में दबोचा है। घोष को सेमिनार हॉल के रेनोवेशन ऑर्डर देने के लिए दबोचा गया है। सीबीआई के हाथ सेमिनार हॉल के रेनोवेशन ऑर्डर का लेटर भी लग गया है। सीबीआई ने संदीप घोष के साथ एसएचओ अभिजीत मंडल को भी अरेस्ट किया है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में सीबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है कि जिस तरह से घोष ने वारदात की अगले दिन हरबड़ी में सेमिनार हॉल के रेनोवेशन का ऑर्डर दिया, उससे साफ है कि घोष को काम कराने की जल्दी थी और उसी ने 10 अगस्त को लेटर लिखकर स्टेट पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट को सेमिनार हॉल से लगे कमरे और टॉयलेट का रेनोवेशन करने को कहा था। सूत्रों की माने तो सीबीआई को इससे जुड़े रेनोवेशन ऑर्डर के लेटर भी हाथ लग चुके हैं, जिस पर घोष के साइन मौजूद हैं। वहीं सीबीआई ने एसएचओ अभिजीत मंडल को सबूत मिटाने और एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी को लेकर गिरफ्तार किया है। बहरहाल अभिया को इंसाफ दिलाने हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर संदीप घोष और एसएचओ अभिजीत मंडल की गिरफ्तारी से खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल की सरकार भले ही उनके मकसद से डिगाने की लाख कोशिशें करे, लेकिन उनका संघर्ष और सीबीआई जांच के नतीजे जरूर सच का साथ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहां पर बड़ा हादसा हुआ। एक बहुमंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई, 10 लोगों की इस घटना में जान गई। और बताया जा रहा है कि ये पूरी इमारत सिंगल पिलर पर बनी हुई थी, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ और लोग इसके शिकार हो गए। देखिए, उत्तर प्रदेश के मेरठ में 3 मंजिला मकान गिरने से बड़ा हादसा हो गया। कई दिनों से हो रही बारिश के कारण यहां जाकिर कॉलोनी में 3 मंजिला मकान अचानक जमींदोज हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया और फोर्स मौके पर दौड़े। एडीजी, आईजी और कमिश्नर ने मौके पर डेरा डाल दिया। एनडीआरएफ की टीम ने बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन संकरी गली होने के कारण मलबे में दबे लोगों को निकालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मेरठ के जाकिर कॉलोनी में मकान गिरने के हादसे में कुल 15 लोगों को बाहर निकाला गया है, जिसमें 10 लोगों की मौत हो चुकी है। जो अन्य 5 हैं, उनमें से 2 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं और 3 लोगों को सेफली रेस्क्यू किया गया है। इस वक्त मैं घटनास्थल पर मौजूद हूँ। मेरे चारों तरफ तस्वीरों में देख सकते हैं, लगभग 200-250 गज का पूरा हिस्सा है जहाँ पे मकान बना हुआ 3 मंजिला। शनिवार की शाम अचानक से ये 3 मंजिला मकान भरभरा कर ढह जाता है और जो लोग घर के अंदर मौजूद थे वो इस पूरी तरह मलबे में दब जाते हैं। दमकल विभाग को जानकारी दी गई, यूपी पुलिस को जानकारी दी गई और लोगों के दबे होने की ज़्यादा संख्या थी, जिसके बाद एनडीआरएफ को सूचना दी जाती है और कल शाम में एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे पहुँचती है और रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जाता है। फिलहाल एनडीआरएफ का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि जो फैमिली के लोग थे जिनकी एक लिस्ट तैयार की गई थी ऑफिशियली, उस लिस्ट के मुताबिक जो है 15 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। इस हादसे में परिवार की 15 लोग मलबे में दब गए। करीब 50 साल पुराना ये मकान बुजुर्ग महिला नब्बो का था, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर डेयरी चलती थी, जिसके कारण कई मवेशी भी मलबे में दब गए। दरअसल ये घर सिंगल पिलर पर खड़ा था, जो कि जर्जर हालत में था। वही पिलर कमजोर होने की वजह से और बीते दिनों से हो रही बारिश की वजह से वो गलने लगा और ये हादसा हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए, साथ ही बचाव कामों में तेजी लाने को कहा और पीड़ित परिवार को मदद करने का भी आश्वासन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में लगातार ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है। जो बदमाश है उनका सफाया किया जा रहा है। अब गाजीपुर में पुलिस ने ऐसे एक बदमाश को लंगड़ा कर दिया। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश से किस तरीके से मुठभेड़ हुई, इसे रिपोर्ट में। गाजीपुर में यूपी पुलिस का एनकाउंटर, 25,000 के इनामी बदमाश को मारी गोली। मुठभेड़ के बाद इनामी बदमाश संदीप यादव गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सिरदर्द बना बदमाश संदीप यादव अब पुलिस की गिरफ्त में है। देर रात पुलिस ने अफतही गांव के पास हुई मुठभेड़ के बाद बदमाश संदीप यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी संदीप के पास से एक पिस्टल, कारतूस और बाइक जब्त की है। वहीं बदमाश संदीप यादव पुलिस के गोली लगने से घायल हो गया है। उक्त व्यक्ति के द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की गई और आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा भी उस संदिग्ध व्यक्ति के ऊपर फायरिंग की गई। उक्त फायरिंग में उस व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लगी है। पूछताछ किए जाने पर पता चला कि उस बदमाश का नाम संदीप यादव है। दरअसल बदमाश पिछले कई महीनों से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। बीते दिनों तो बदमाश संदीप यादव ने पूरे लाभ लश्कर के साथ एक टेंट हाउस में गोलीबारी करके दहशत फैला दी थी। संदीप लोगों के लिए कितना बड़ा खतरा था आप खुद देखिए। ये उस समय का वीडियो है जब संदीप ने टेंट हाउस पर हमला बोला था। देखिए किस तरह से बोलेरो और बाइक में बदमाश आते हैं और फायरिंग करके टेंट हाउस में दहशत फैला देते हैं। जब से ये वीडियो सामने आया था, पुलिस संदीप यादव की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही थी और आखिरकार संदीप पकड़ा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।